Literally guys, this company provided highest salary package and this company provided 18,000 rupees in hand salary and well duty timing 10 am to 7 pm, यानी कि जो काम होने वाला है वो कैलकुलेशन कर सकते हो, 9 घंटे के काम का 18,000 रुपए इन हैंड सैलरी है, वो भी कोलकाता लोकेशंस में। दैट मीन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज फॉर एवरी पर्सन एंड जॉब लोकेशन कोलकाता सेंट्रल साल्ट लेक एंड ये टू लोकेशन में काम होने वाला है एंड एज 18 से 35 साल है। एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में ओम साई सर का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो पहले कॉन्टेक्ट नंबर देख लो ना, फिर वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ओम साई सर का हमने कॉन्टेक्ट नंबर ऑलमोस्ट दे रखा है। वीडियो को पूरा देखिएगा अगर जॉब चाहिए, अगर आप भी 18,000 रुपीज इन हैंड सैलरी अर्न करना चाहते हो कोलकाता जैसे लोकेशंस में। दैट मीन दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो एंड पूरा देखना, हर एक स्टेप्स को देखना, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो और आपको जॉब्स भी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अगर आप नए हो मेक श्योर डेफिनेटली सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको समय से मिलना जरूरी होता है। बेसिकली हम तो यही सोचते हैं कि लोगों को नोटिफिकेशन सही से मिले एंड वेल की जॉब्स भी मिले, हमारा प्रॉपर यही सोच होता है। एंड अगेन की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ, क्या कि रिक्रूटमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फैसिलिटीज क्या है एंड सैलरी क्या है एंड एवरीथिंग। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है अर्जेंट रिक्वायरमेंट इन SBI पेमेंट्स, इंटरव्यू जो है अभी चल रहा है, कब तक चलेगा इसके बारे में कुछ डिक्लेरेशन नहीं किया गया है, आप लोग कॉल करके ओम साई सर को पूछ सकते हो। सो यहाँ पे डेजिग्नेशन है FSE, मतलब FSE का मतलब होता है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर FSE का पोस्ट कब आएगा, तो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आ चुका है यहाँ पे। सो जॉब लोकेशन है कोलकाता सेंट्रल साल्ट लेक, तो कोलकाता सेंट्रल और साल्ट लेक लोकेशन में ये जॉब्स का वैकेंसी होने वाला है। जॉब रोल है मर्चेंट ऑन बोर्डिंग ऑन SBI पेमेंट्स, तो यहाँ पे मर्चेंट ऑन बोर्डिंग ऑन SBI पेमेंट, नीड टू गिव ब्रीफ डिटेल्स अबाउट SBI पेमेंट्स स्वीप मशीन फॉर डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स टू द मर्चेंट्स, नीड टू रिसॉल्व कंप्लेंट्स एंड सर्विस रिलेटेड इशू ऑन मर्चेंट्स। सैलरी जो इसमें है बहुत बेहतरीन है। देखो यहाँ पे काम थोड़ा सा हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि कोई दुकानदार है, उसको मतलब QR कोड अनबोर्ड करना है SBI पेमेंट्स का, ओके, सो विल नीड टू गिव ब्रीफ डिटेल्स अबाउट SBI पेमेंट्स, उनको डिटेल्स बतानी है स्वीप मशीन के बारे में, डिटेल्स बतानी है उनको डेबिट कार्ड के बारे में, उनको डिटेल्स बतानी है क्रेडिट कार्ड के बारे में, और उनके फैसिलिटीज को बताना है कि हाँ आपको ये मेजर फैसिलिटीज मिल सकता है। आपको दुकानदार को ये चीज़ों को बताना पड़ेगा और यहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स है उनका उसको रिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लिया कि कोई कस्टमर्स है, कोई मर्चेंट है, दुकानदार है, वो मतलब कंप्लेंट्स करता है, तो उसको वहाँ पे समझाना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपका काम होने वाला है। सैलरी जो इसमें है 12,500 टू 18,000 रुपीज इन हैंड, दैट मीन एक्सपीरियंस डिपेंडेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डिपेंडेंट। अगर कोई फ्रेशर्स कैंडिडेट आता है तो उसको 12,500 रुपये सैलरी मिलेगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है, दैट मीन दिस कंपनी प्रोवाइडेड 18,000 रुपीज टेक होम सैलरी, ओके, सो प्लस इंसेंटिव प्लस PA प्लस ESIC, वर्किंग टाइम 10 AM टू 7 PM, एक्सपीरियंस मस्ट हैव 6 मंथ फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स आल्सो एप्लीकेबल, बट फ्रेशर सैलरी जो है सो कम है, उसका रेशियोज कम है। एंड वेल यहाँ पे एज लिमिट है 18 से 35 है, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स, क्वालिफिकेशन मिनिमम HS पास, तो क्वालिफिकेशन कम से कम जो है हायर सेकेंडरी होना चाहिए। वेल डिस्क्रिप्शन में हमने ओम साई सर का कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप लोग टॉक कर सकती हो, बात कर सकते हो, इनफैक्ट जॉब प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।